नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ रूबरिक पर चर्चा करेंगे और एक केस के माध्यम से उस उन रूबरिकों को समझने का प्रयास करेंगे। तीन रूबरिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, केस है कि एक व्यक्ति को घुटने में दर्द रहता था, एक आध महीना से था। तो बातचीत के क्रम में बोला कि देखिए, मेरा मेरा शरीर जो है ना, वो दूसरे लोगों का जो शरीर जैसा होता है वैसा शरीर नहीं है, इसलिए हाई पावर का दवा नहीं देंगे। हाई पावर का दवा मुझे सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है हाई पावर का दवा, इसलिए दवा कम पावर का दवा देंगे ताकि मैंने परेशानी न हो और मेरा रोग भी धीरे धीरे कर करके ठीक हो जाए, माने धीरे धीरे करके ठीक हो जाए रोग। जल्दी ठीक न हो तो योग भी कोई बात नहीं है। इस ढंग से बोला कि रोग जो है से धीरे धीरे ठीक होगा तो भी चलेगा, हाई पावर के हमको दवा नहीं दीजिए, क्योंकि हाई पावर का दवा जो है से हमको सहन ही नहीं होता है। उसका इतना ही कहने का मतलब था, और बहुत सारा बात हुआ था लेकिन संक्षेप में उसका इतना ही था निचोड़ उसका, और इसी के आधार पर उसको दवा दिया गया था। तो चलिए, अब थोड़ा सा इसको वो रोगी क्या कहना चाहते हैं चाहता है इस पर तनिक विचार करते हैं। उसका कहने का मतलब था कि मेरा शरीर जो है से दूसरों लोगों का जो शरीर होता है स्ट्रांग होता है, उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, माने शक्तिशाली नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है। इसलिए होता है कि जब हाई पावर का जो दवा होता है उस मुंह मुझसे सहन नहीं होता है, उसको सहन नहीं कर पाता हूं, तकलीफ हो जाता है, इसलिए हाई पावर का दवा हमको नहीं चाहिए, कम पावर का दवा दीजिए, देरी से भी ठीक होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आराम आराम से ठीक होना चाहिए। यही वो उसको कहने का मतलब था। तो इसमें देखिए, इसमें एक नंबर रूब्रिक हो सकता है इफिमिनेट। इफिमिनेट का मतलब क्या होता है? माइंड इफिमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा पुरुष, जिसमें महिला की विशेषता हो, ये इसका हिंदी मतलब है। डिक्शनरी भी निकाले, हैविंग दी क्वालिटी जेनरली एट्रीब्यूटेड टू वोमैन एज वीकनेस टिमिडिटी डेलिकेसी इटीसी, यानी कि आदमी जिसमें माने नारी जैसा ये हो, विशेषताएं हो, गुण हो, नारी में वीकनेस टिमिडिटी डेलिकेसी ये सब जो है ना से नारीवोचित गुण माना जाता है, तो इस तरह की उसमें विशेषता हो। दूसरा है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सॉफ्टनेस डेलिकेसी सेल्फ इंडल्जेंस इटीसी लैकिंग फर्मनेस और भीगर, यानी कि जिसमें कठोरता की कमी हो, मजबूती जिसमें कम हो, उसको इफिमिनेट कहा जा सकता है। नारी जैसा, नारी के शरीर को माना जाता है ना कि पुरुष के तुलना में, हमारे समाज में माना जाता है कि पुरुष के तुलना में नारी का जो शरीर होता है से कोमल होता है, सुकुवार होता है, कम मजबूत होता है। ऐसे नारी एक से एक है, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी तो उसको जरूर मर्द के से कम थोड़ी था, लेकिन ऐसा माना जाता है समाज में कि नारी का जो शरीर होता है से कोमल होता है और उतना फर्म नहीं होता है, दृढ़ता नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। स्वभाव में भी उनका, पुरुष और नारी का स्वभाव में भी अंतर होता है, उनमें कोमलता ज्यादा होता है। तो इस तरह के गुण वाले को इफिमिनेट कहा जा सकता है, जिसमें नारीवोचित गुण हो।
अच्छा, तो इस आधार पर उस बोला कि शरीर मेरा दूसरों जैसा मजबूत नहीं है, माने कहने का मतलब था कि इसका भाव इस तरह से लिया गया कि नारी जैसा था, कोमल उसका शरीर था, कोमल शरीर है, तो इसके आधार पर इसको इफिमिनेट लिया गया। अच्छा, दूसरा लिए कैरिड डिजायर टू बी केयर्स एंड, माने उसको इच्छा हो रहा है कि कोई कोई व्यक्ति हमको बहन करे, दुलार प्यार से बहन करे, दुलार प्यार से सहलाए, ताकि हमको तकलीफ न हो। दुलार प्यार से सहलाना, केयर्स का मतलब क्या होता है, प्यार से स्पर्श करना, दुलारना, ये सब इसका मतलब होता है। तो उसको लगता है कि दूसरा कोई हमको बहन करे प्यार दुलार से, ऐसा बहन करे कि उसमें कोई झटका ना लगे, कोई तकलीफ ना हो, ये हो गया। दुलार प्यार से हमको अथी करे, दवा दीजिए कि उसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई माने कठोर वचन माने नहीं सह पाएगा। इस तरह से जो है से क्यों चाहता है कि हमको प्यार से बहन किया जाए, तकलीफ ना हो, इस आधार पर इसको लिया गया। उसको कह रहा है ना कि हमको शरीर पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आराम आराम से ठीक होना चाहिए, इसके आधार पर इसको लिया गया। और बोलता है कि माने देर से ठीक हो तो भी कोई बात नहीं है, लेट हो ठीक होने में देरी होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, धीरे से ठीक हो, लेकिन हमको तकलीफ ना हो, तो इस आधार पर लिया गया। माइंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, यानी कि धीरे धीरे से उसको चाहता है कि कोई हमको धीरे धीरे से हमारे गंतव्य स्थान पर, माने कि बीमारी के अवस्था से हमको ठीक अवस्था में धीरे धीरे ले चले, धीरे धीरे ले चले, ताकि कोई झटका न लगे, कोई तकलीफ न हो, जर्किंग न हो, इस तरह से ले चले। कैरिड है, कैरिड डिजायर, डिजायर उसको इच्छा क्या है कि कोई हमको माने जो अभी बीमारी की अवस्था है, बीमारी की अवस्था से निकाल करके अच्छे अवस्था में ले जाए, धीरे धीरे ले जाए, किंतु इन्हें कि हड़बड़ी में जल्दी से ले जाए, जल्दी से नहीं ले जाए, जल्दी से ले जाएगा तो चोट लग सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, तो वैसे नहीं, हमको धीरे धीरे ले चके ले चले कि कोई तकलीफ हमको ना हो, ऐसा उसको लगता है। अब उसमें क्या लगता है, दूसरा वाला जो रूब्रिक था डिजायर टू बी कैरी डिजायर टू बी एंड केयर्स, उसमें लगता है कि कोई हमको दुलार के स्नेह करके माने धीरे धीरे सहलाते हुए ले चले, बहन कर रहा है, दुलार भी कर रहा है, दोनों मिलता रहे, तो इस ढंग से ले चले, जैसे बच्चा को कैसे होता है, लेकर के गोदी में घुमा रहे हैं, उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, तो उस ढंग से माने हमको भी करे, उस ढंग से कोई तकलीफ ना हो, आराम आराम से। तो इस आधार पर उसको दवा, तो आप लोग समझिए गए होंगे, एकमात्र दवा है, तो तीनों में ये कॉमन दवा है पल्सेटला, और उसको पल्सेटला दिया गया 30 पोटेंसी में, और इसी से उसको आराम आया। तो ये आज का केस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। नमस्कार।